अच्छा तो आ गया हूँ मैं एक और ब्रांड वीडियो के साथ वापस। और भाई आज हम बात करेंगे यहाँ पे Realme 8 Pro के बारे में। अब ये जो फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट में 28 अप्रैल को लॉन्च होने जा रहा है। आज की वीडियो में आपको फुल ऑन स्पेसिफिकेशन बताऊँगा Realme 8 Pro की डिस्प्ले कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है और यहाँ पर आपको कैमरास कैसे देखने को मिलते हैं। और डाउन गियर से भी बताऊँगा आपको। आज की वीडियो में वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ऑल कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ का सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो भाई अगर मैं बात करूँ यहाँ पे Realme 8 Pro के डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, 60 हर्ट्ज का नॉर्मल पैनल। यहाँ पर 120 हर्ट्ज विद एमोलेड पैनल चल रहा है इस प्राइस रेंज के अंदर, लेकिन यहाँ पर Realme वालों ने 60 हर्ट्ज का पैनल दे दिया है। बहरहाल यहाँ पर आपको फुल एच डी की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी और कॉर्निंग ग्लास का इसकी प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। साथ 400 नो की यहाँ पर आपको पीपीआई डेंसिटी भी प्रोवाइड की गई है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 को प्रवेश करता है और यहाँ पर आपको Realme UI 2.0 देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की यहाँ पर वेरियंट्स की, तो यहाँ पर हो सकता है कि 2 वेरियंट आ जाए पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन मेन वेरियंट जो कन्फर्म है वो है 6 GB की रैम प्लस 128 GB की इंटरनल स्टोरेज, और भरा जो वेरियंट है वो है 8 GB की रैम प्लस 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। LPDDR4X रैम टाइप प्रोवाइड की गई है और UFS 2.1 के स्टोरेज टाइप प्रोवाइड की गई है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन कैमरा सेटअप की, जो कि Realme टीज भी कर रहा है, तो भाई बैकटर को क्वाड कैमरा से सेटअप देखने को मिलता है। यार कैमरा की जो हाउसिंग है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है, और भाई बैक का जो कैमरा का बम्प है वो भी यार काफ़ी बार निकला हुआ है, यानी कि भाई अगर आपका फ़ोन सीधा गिरता है तो कैमरा के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। बैक पे आपको क्वाड LED फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है। यार बैक के ऊपर जो डे टू लीप की डिज़ाइनिंग है यार मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि यार इतनी बड़ी डिज़ाइनिंग मुझे तो नहीं पसंद, आपको कैसे लगती है मुझे कमेंट्स में बताना। बैक पे क्वाड कैमरा से सेटअप है, मेन कैमरा 108 MP का है, साथ 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 का डेप्थ सेंसर। फ्रंट पे आपको पंच होल देखने को मिलेगा, पंच होल के अंदर आपको 16 MP की सेल्फी देखने को मिल जाएगी। बैक कैमरा से आप 4K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 FPS में। और अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की बैटरी की, 4500 mAh की बैटरी मिलती है, साथ 50 W की चार्जिंग देखने को मिलती है। अब ये नया ट्रेंड सेट होगा, यानी कि हाई मिड रेंज के अंदर आपको जो है 50 W की चार्जिंग प्रोवाइड की जाएगी दूसरे ब्रांड की तरफ से। इससे पहले यार Realme 7 Pro के अंदर आपको 65 W की चार्जिंग देखने को मिलती थी, ये डाउनग्रेड है क्योंकि यहाँ पर आपको 50 W की चार्जिंग देखने को मिली, क्योंकि यार इन्होंने थोड़ी प्राइस कटिंग भी तो करनी है, तो इसके वजह से इन्होंने 50 W की चार्जिंग दे दी है। लेकिन 50 W की चार्जिंग भी बहुत इनफ है 4500 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए। अगर हम बात करें स्मार्टफोन परफॉर्म की, यानी कि चिपसेट की, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन की तरफ से स्नैपड्रैगन 720G। अब ये जो प्रोसेसर है यार काफ़ी कैपेबल चिपसेट है, स्नैपड्रैगन के सबसे जो यानी कि काफ़ी अच्छा और एफिशिएंट चिपसेट आप कह सकते हैं। तो बड़ा यार मैंने आपको सारी स्पेसिफिकेशन बता दी Realme 8 Pro की। अब ये जो फ़ोन है 28 अप्रैल को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। यार Realme की जो ये 7 और 6 सीरीज थी इतनी कोई सक्सेसफुल नहीं गई, क्योंकि यार इनकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ओवर रख दी थी इन्होंने। तो होप्स हो कि यार Realme 8 Pro की जो प्राइस है वो काफ़ी अच्छी है पाकिस्तानी मार्केट में। बड़ा आपका स्मार्टफोन के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन लॉन्च डेट इन पाकिस्तानी मार्केट, तो भाई ये जो फ़ोन है पाकिस्तानी मार्केट में 28 अप्रैल को पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। अगर मैं बात करूँ स्मार्टफोन की प्राइस की, तो भाई मेन डिसाइडिंग फैक्टर होता है आप फीचर भर भर के दे रहे फ़ोन के अंदर, लेकिन जब तक प्राइस नहीं अच्छी होगी तो भाई फ़ोन की वैल्यू नहीं बनेगी। तो भाई यहाँ पर इस स्मार्टफोन की प्राइस जो रूमर्स और लीक्स से थ्रू बताई जा रही है वो बताई जा रही ही है भाई 45,000 रुपये। अगर 45,000 रुपये पाकिस्तानी मार्केट में ये स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो भाई कैप्चर कर लेगा पाकिस्तानी मार्केट को, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में ऑलरेडी Redmi Note 10, Poco X3 Pro जैसे बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं। तो बहरहाल देखते हैं Realme क्या प्राइस स्ट्रेटजी को लेके आता है। आपका स्मार्टफोन के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, ना अच्छी लगी हो डिसलाइक करके बताना क्या चीज़ इंप्रूव करूँ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून, देखते रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।